आन राज को कर नमन करो महान यह कार आत्म ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं चाहती, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
जगत में सर्वश्रेष्ठ वैभव चैतन्य वैभव अनुभव में आता है और तभी से धर्म की शुरुआत होती है। अनादिकाल से अनंत बार अनंत देह को धारण कर अनंत बार व्रत तप का पालन कर बाहर की क्रिया करके मिथ्यात्व न छूटा और मिथ्यात्व का भाव जब तक नहीं छूटता तब तक 28 मूल गुणों का भी पालन करे तो भी मोक्ष तो नहीं मिलता, मोक्ष का मार्ग भी नहीं मिलता। मोक्ष के मार्ग में किसी पराये का उधार दिया लेकर के यात्रा नहीं हो सकती। मोक्ष के मार्ग को देखने के लिए स्वयं का प्रज्वलित दीपक चाहिए और मोक्ष मार्ग पर यात्रा करने के लिए स्वयं का प्रज्वलित दीपक चाहिए। आचार्य कुंदकुंद देव ने ग्रंथाधिराज समयसार की 5वीं गाथा में यह प्रतिज्ञा की है कि मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को नीज वैभव से दिखाता हूं। आचार्य कुंदकुंद देव व्रत और तप का पालन नहीं कर सकते थे ऐसा नहीं। आचार्य कुंदकुंद देव अपरिग्रही धागे मात्र का भी परिग्रह देह पर नहीं, 28 मूलगुणों का पालन करने वाले, 22 परिसह को सहन करने वाले ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव भी देह की क्रिया को मुख्यता न देकर के यही कहते हैं कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं और यही समय सार का सार है जो अनुभव में आता है। समय का अर्थ होता है 6 द्रव्य। जगत में जो परिणमी तो होता है वह समय है और 6 द्रव्य परिणमी तो होते हैं, तो 6 द्रव्य समय है और 6 द्रव्यों में सारभूत एक शुद्धात्मा है और इसलिए ही शुद्धात्मा को समयसार कहा है। समयसार का ही दूसरा नाम शुद्धात्मा है और एक और भी अर्थ है कि समय का अर्थ यदि ये ले कि जो जानता है, गमन करता है, परिणमन करता है, ऐसा जो द्रव्य वह समय, तो जानता है, गमन करता है, परिणमन करता है, ऐसा द्रव्य एक जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य अर्थात समय, तो समय सार
अर्थात भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से न्यारा। भाव कर्म अर्थात आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग और द्वेष के जो भाव है उन्हें भाव कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणादि आठ कर्म है उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं, और शरीर सहित शरीर के संयोग इन्हें नौ कर्म कहते हैं। तो भगवान आत्मा भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से और नौ कर्म से न्यारा, ऐसा शुद्ध है, ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ये भगवान आत्मा, यही मैं हूं। ऐसा एक समय के लिए यदि निर्विकल्प अनुभव हो तो अनंत काल के लिए, अनंत जन्म मरण जो होंगे वो होना रुक जाता है। यदि आत्मा की अनुभूति जिन्हें नहीं हुई तो उन्हें वो अनंत जन्म मरण होने वाले हैं। वो आत्मा की अनुभूति एक समय की ऐसी अनुभूति कि भूतकाल में कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए आत्मा की अनुभूति को अपूर्व अनुभूति कही। और आत्मा की अनुभूति के फल में जो प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद, वह अतीन्द्रिय आनंद ऐसा अपूर्व आनंद कि मैं ही परमात्मा हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ज्ञान ही मेरा वैभव है, चैतन्य ही मेरा वैभव है। बाहर की जो संपत्ति है वो संपत्ति, उस संपत्ति के कारण मेरी महानता नहीं है। थोड़े डॉलर इकट्ठे कर लिए वो मेरी महानता नहीं है, वो तो पुद्गल का परिणमन है, जड़ पदार्थ है। वो पहले भी जड़ था और घर की तिजोरी में वो डॉलर आए तो जड़ डॉलर जड़ ही रहेंगे, वो चैतन्य रूप परिणमित होने वाले नहीं है। और जो भी पर पदार्थ चैतन्य रूप परिणमित नहीं होता, वह पर पदार्थ वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है। और चैतन्य तत्व जो अनादि अनंत शुद्ध भगवान आत्मा, ये वो जड़ परमाणु रूप परिणमित नहीं होता। वो जो देह की क्रिया है वो देह की क्रिया भी ऐसी क्रिया है कि जो भी देह की क्रिया होती है, पहले ये मान्यता जो पड़ी थी वो मान्यता कि मैं भोजन करता हूं, वह मान्यता, और उस मान्यता का कि मैं भोजन करता हूं, मैं क्रोधादि भावों को करने वाला हूं, और पहले यह भाव आता था कि मैं क्रोध करने वाला हूं, मैं मान करने वाला हूं, ये सब भाव मेरे भाव है, और इन सब भावों को मेरा माना कि ये क्रोध का भाव ये मेरा है, मुझे क्रोध बहुत आता है। यदि ये जो मान्यता है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, ये मान्यता यदि सच्ची होती तो सम्यक दर्शन हो जाता। सच्चा मानने का नाम सम्यक दर्शन। तो ये क्रोध मेरा है और मैं क्रोध करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं एकासन करता हूं, ये सब जो सच होता तो आत्मा ने अंदर में माना क्या कि ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो जैसा सच है ऐसा मान लिया तो सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। मगर सम्यक दर्शन अज्ञानी को क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भाव अज्ञानी को उत्पन्न होते हैं वो भावों का करने वाला वो है नहीं, और अपने को करने वाला मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब झूठा मानना। वो भाव भी कर्म के उदय के निमित्त से वो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं। एक दिन 1 करोड़ रुपया दान में देने का भाव आया तो दूसरे दिन फिर नहीं आया। यदि आपको, आप वो भावों को लाते हो तो फिर रोज रोज फिर वो भाव आना चाहिए, लेकर के लाओ लाओ और रोज रोज उन भावों को लाओ। यदि आज उपवास करने का भाव आया, कल भी आए, परसों भी आए, फिर आप यदि वो भाव को लाते हो
तो फिर 365 दिन और सारे जीवन भर फिर उपवास करने का भाव लाओ क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो कर्म का उदय है वो कर्म के उदय के निमित्त से वो भाव आता है। वो भाव मेरा कर्तृत्व नहीं है, मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य तो इतना ही है कि कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव आत्मा में उत्पन्न हुए उन भावों में मेरा कार्य मात्र इतना कि अत्यंत दूर से मैं भगवान आत्मा मात्र जानता हूं। मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में ये भाव प्रतिबिंबित होते हैं, मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में ये भाव जानने में आ जाते हैं, मगर जानने में आने वाले भाव मेरे चैतन्य दर्पण में कहीं पर भी मिलते नहीं है। और ज्ञानी का जो जोर है वो जोर ये चैतन्य दर्पण पर है। मैं चैतन्य तत्व जो भी वस्तु प्रतिबिंबित होती है, जैसे एक कमरे में कांच का गोला है और उस कांच के गोले में जो वहां पर पदार्थ पड़े हैं उस कमरे में, टेबल पड़ा है, कुर्सी है, तो ये जो पदार्थ उस कमरे में पड़े हुए वो कांच के गोले में उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। कांच के गोले को कोई विकल्प नहीं है कि ये कुर्सी मेरे अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, ये टेबल मेरे में रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसा भाव उसको नहीं होता। ये कांच का दर्पण इसका स्वभाव ऐसा है कि उसमें वस्तु प्रतिबिंबित हो जाती है। तो ऐसे ही जो भी संयोग है और संयोगी भाव है, ये संयोग और संयोगी भाव भगवान आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। और भगवान आत्मा में जो ये ज्ञान का जो जानना ये जो कार्य होता है, उस ज्ञान को तो विकल्प ही नहीं है। ये ज्ञान विकल्प नहीं करता, मैं इसको जानू, इसको न जानू, इसको जानू, इसको न जानू। ज्ञान का कार्य है मात्र जानना। ये जानना यही मेरा कार्य है, यही मेरा कार्य है। और वह सहज है, अनादि अनंत ऐसा जानना। आज तक अज्ञानी को ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कार्य क्या है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। वो हाथ में रोटी ली, मुंह में रोटी डाली, दांत से रोटी को चबाया, मैं चबा रहा हूं, मैं रोटी को खा रहा हूं। उस समय अंदर में गहराई में जाकर के ये विचार ही नहीं आया कि मेरा कार्य क्या है। जैसे चक्की होती है और चक्की के दो पत्थर है, नीचे का पत्थर और ऊपर का पत्थर, ऐसा तो अंदर वो दाने डाले और दो पत्थर के बीच में वो दाने पिसे जाते हैं, मगर जो व्यक्ति वहां पास में बैठा है वो चक्की के कहीं पर भी नहीं है, चक्की से वो दूर बैठा है। और दाने जो पीसे जाते हैं उसे पक्की तरह सच्ची तरह ये मान्यता उसकी दृढ़ है कि मैं उस चक्की में कहीं पर भी नहीं। तो ज्ञानी को ऐसी जागृति रहती है कि रोटी हाथ में ली और मुंह में डाली, तो जब रोटी को चबाया तो रोटी को चबाते समय भी ऊपर का दांत और नीचे का दांत, तो नीचे का दांत वो चक्की का नीचे का पत्थर और ऊपर का दांत माने ऊपर का पत्थर, और दोनों के बीच में ये रोटी, ये अनाज का दाना। और ये जागृति है कि मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, ये शरीर की क्रिया में मैं मिला हुआ नहीं हूं, ऐसा शुद्ध आत्मा यही मैं हूं। इस जागृति के बल पर वो चक्की चलती तो रहती है, मगर चक्की चलती है उसके काल में भी वो जागृति है। वो जागृति से ज्ञानी को कर्म की निर्जरा होती है। और अज्ञानी ने रोटी नहीं खाई, मगर आज मैंने नहीं खाया, वो विकल्प में अपनापन है कि विकल्प मेरा है। रोटी नहीं खाई, वो विकल्प मेरा है। विकल्प में अपनापन है और चैतन्य तत्व में अपनापन नहीं है। इस कारण से अज्ञानी को बंधन होता है और ज्ञानी को निर्जरा होती है। आचार्य कुंदकुम देव ने यह स्वरूप समझाया कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं। ये अपना वैभव, ये
अंतर का वैभव जो है, आत्मा का वैभव, वो आत्मा के वैभव को यहां बताया है। चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, निरंतर ये चैतन्य की सत्ता सदाकाल। इसलिए एक एक ऐसी अनुभूति, ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा सदाकाल सत्ता स्वरूप है। फिर आपको शरीर का जो कार्य होगा ना, वो कार्य, वो परमाणु, ये शरीर के परमाणु, ये राख की बनी हुई दीवार, ये दीवार के परमाणु, ये इतने दूर ऐसा अंतर में रियलाइज होगा, अंदर में ऐसा भेद कि ये जो राख की दीवार है, ये राख की दीवार मेरी जहां चैतन्य की सत्ता है, फिर वो शरीर में अंतर में वो जागृति रहेगी। जैसे पेट में भोजन नहीं गया तो पेट में जलन होती है, पेट में खाली खाली ऐसा एहसास होता है, तो पेट में भोजन नहीं गया मगर उस समय ज्ञानी को जागृति रहती है। कैसी जागृति? कि पेट में भोजन नहीं गया, वहां जलन हो रही है, मगर ये जलन हो रही है उसका पता किसको चला? ये जलन जो हो रही है, पेट में खाना नहीं है, पेट में खाना नहीं है, नहीं है, वो जलन जो हो रही है उसका पता जिसको चल रहा है, वो जलता नहीं है, वो तो है टिककर के रहने वाला, वो जलने वाला नहीं है। यदि वो जलने वाला होता, जैसे सुबह पेट में जलन हुई, सुबह पेट में जलन हुई, और सुबह पेट में जलन हुई, वो जलन को जाना आत्मा ने, तो आत्मा जल गया। तो आत्मा यदि जल गया तो शाम को जो जलन हो रही है वो जलन का पता अभी चल रहा है। इसका मतलब कि सुबह वो जलन को जानने वाला यदि जल गया होता, सुबह जो जलन हो रही थी पेट में, उस जलन को जानने वाला यदि जल गया होता तो शाम को जलन हो रही है वो पता तो चल रहा है। इसका मतलब वो नहीं जला है सुबह, और जो नहीं जला है वो जो जानता है मात्र, जलता नहीं है, वो चैतन्य तत्व वो मैं हूं। तब देह की जलन ज्ञान में जानने में आने पर भी भेद ज्ञान बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो भोजन कैसे भी करेगा, स्वच्छंदी होकर के करेगा, कुछ भी खाएगा, रात को खाएगा, आलू प्याज खाएगा, मांस भक्षण करेगा, ऐसा नहीं है। वो जीवन तो सदाचार में ही जिएगा, सदाचार में ही जीवन जिएगा, बाहर में और अंतर में ये भेद ज्ञान होगा, और वो भेद ज्ञान जो अंतर में होगा, वो भेद ज्ञान से आत्मा की परिणति की निर्मलता और वितरागता प्रकट होती है। वो भेद ज्ञान से वितरागता प्रकट होती है, शरीर की क्रिया से नहीं। शरीर की क्रिया जो है, वो शरीर की क्रिया बाहर में हो जाती है, उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता, वो भाव भी ज्ञानी को सहज आ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ऐसा कहते थे कि खेत में बीज को बोया तो बीज को बोने के बाद में पौधा उगा, तो उसके साथ में वो जो घास है वो घास को उगाना चाहिए या नहीं? कि उगाना नहीं पड़ता, वो उग जाता है घास। तो पौधा जब उगा है तब घास साथ में उग जाता है। ऐसे ही अंतर में चैतन्य 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 की मस्ती का पौधा जब उगता है तो उपवास करने का, एकासन करने का, व्रत का, शील का, संयम का, ये घास उग जाता है, उसे उगाना नहीं पड़ता, ये भाव आ जाता है। मगर कोई वो पौधे को उगाया ही नहीं और अकेला घास ही उगाता रहे तो उससे उसका पेट नहीं भरेगा, अनाज का दाना उगेगा नहीं, अनाज का दाना तो वो पौधे में से निकलने वाला है। तो ऐसे ही जो आनंद की मस्ती है ज्ञानी की, वह चैतन्य की मस्ती, अंतर में जागृति रहती है भगवान, ये जागृति रहती है, एक समय के लिए भी बेहोशी नहीं, प्रति समय चैतन्य, चैतन्य 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 चैतन्य। जब चैतन्य का चिंतन ऐसा चलता है तब विकार के भाव में, जब वो विकारी भाव उत्पन्न होते थे, वो नहीं करो नहीं करो नहीं, वो होते ही नहीं। और यदि वो विकार के भाव में अभी वो तन्मयता हो रही है तो समझना कि भगवान की वाणी को सुनकर के कुछ उल्टा ग्रहण कर लिया है, वाणी को सुनकर के कुछ उल्टा ग्रहण किया है। और अज्ञानी ऐसा है, भगवान की वाणी तो अमृत है मगर अमृत भी किसके पास पहुंचा है कि वो वहां जाकर के कौन से पात्र में गया कि वो जहर बन गया। सांप को दूध पिलाया मगर सांप को दूध पिलाया तो दूध भी वहां गया तो जहर बन गया। जब मैं कहूं कि वितराग परिणति
वितराग परिणति जो है वो वितराग परिणति उससे ही धर्म है, तब उसका मतलब ये नहीं है कि कल तक आप रात्रि भोजन नहीं करते तो आज तो रात को खाना खा लिया, कल तक आपने आहार का त्याग किया था और आज फिर भोजन कर ही लिया, क्योंकि चलो क्योंकि उसमें धर्म तो है ही नहीं, धर्म तो है ही नहीं। उसका अर्थ यह है कि भोजन नहीं करते वो नहीं करने के काल में जो बेहोशी हो, बेहोशी दूर करना है, वो जागृति प्रकट करना है, वो जागृति प्रकट करना है, और बाकी सब भाव है वो बाकी के भाव, शुभ भाव वो शुभ भाव आए बिना रहने वाले नहीं है, शुभ भाव सहज आएंगे, मगर जोर जोर चैतन्य तत्व पर होगा, वो असली, वो बाकी का जो सब है वो बाहर का है, वो सब साथ में होता है, मगर उस पर जोर नहीं होना चाहिए। जोर किसको देते हो वो महत्वपूर्ण है। शुद्धात्मा चैतन्य परमात्मा पर जोर है कि खाना नहीं खाया उस पर जोर है, काम तो दोनों होंगे, शुद्धात्मा पर शुद्धात्मा 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 का चिंतन भी होगा और भोजन भी छूट जाएगा, मगर जोर किस पर दिया है वो महत्वपूर्ण है। जैसे वो लड़के के पिताजी कहीं लड़की देखने के लिए गए, अब वहां पर जाकर के फिर वापिस लौट आए घर, तो लड़के की मम्मी ने पूछा कि गए थे बेटे को लेकर के लड़की देखने के लिए, बोले हाँ, तो बोले कैसा लगा बताओ, बोले कि क्या बात करूं, वहां पर लड़की देखने गए थे बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे ही हम वहां पर गए कि वहां पर तो उन्होंने लड्डू बूंदी के रसगुल्ला गुलाब जामुन और इतने नमकीन इतना सब रख दिया, और घर का फर्नीचर तो इतना बड़ा टीवी था और एयर कंडीशन तो बिल्कुल इतना चिल्ड और इतना अच्छा भिला, बोले अच्छा, मगर लड़की लड़की का क्या हुआ, बोले लड़की तो थी ही नहीं घर पर, वो तो बाहर गई थी, अरे तो जिस काम के लिए गए वो तो हुआ नहीं और बाकी सब खा पी करके आ गए, ऐसा तो खाना पीना नहीं होता, ऐसा नहीं, लड़की देखने जाए तो खाना पीना तो होगा, मगर खाना पीना ही होता है और लड़की देखना रह जाए तो गड़बड़ है। तो ऐसे ही उपवास व्रत तप शील संयम ये सब तो करें, ये सब खाने पीने जैसा हो गया और भगवान आत्मा को नहीं देखा, तो जो असली काम करना था वो किया नहीं, और इस कारण से ही वो वंचित रह गया, शादी से वो वंचित रह गया, वो ये मुक्ति रूपी लक्ष्मी को पाने से वंचित रह गया। इसलिए ये सब बाहर की क्रिया, उस पर जोर ज्ञानी का नहीं होता, आते हैं भाव मगर उन भावों में ज्ञानी को अपनापन नहीं है। करोड़ों रुपये दान देने का भाव आए, 8 दिन भूखा रहने का भाव आए, महीने भर भूखा रहने का भाव आए, ये भाव जो आता है मगर उसमें उसका अपनापन नहीं, क्यों, उसका कारण है क्योंकि वो अंतर में जागृत है कि मैं मरना नहीं चाहता। ज्ञानी को जागृति है, कौन मरना चाहेगा, मृत्यु को कौन चाहेगा, ये भाव जो आया है कि मैं 8 दिन भोजन नहीं करूं, अब वो भाव हमेशा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा कि मरेगा, यदि वो भाव मरेगा माने चला जाएगा, फिर चलो अभी पारणा कर लू, अब मैं भोजन कर लू, भाव चला गया, तो जो भाव मर जाता है उस भाव में अपनापन करना कौन चाहेगा, जो खुद मरता है उसकी संगति करके खुद मरना ज्ञानी तो नहीं चाहता। ज्ञानी को इसलिए जागृति है कि भाव आया है तो ठीक है, मगर उन भाव में मैं कहीं नहीं, मेरा असली वैभव जो है वो असली वैभव अंतर में चैतन्य वैभव है। और आचार्य कुंदकुन देव ने यहां पर इतने गुणगान गाए, ऐसे ज्ञानी संतों का मिलना कि जो अंतर का वैभव कौन बताएगा, कुंदकुन आचार्य देव यहां पर कहते कि मैं अपना वैभव जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, वो वैभव जो है वो वैभव में निज वैभव से मैं भगवान आत्मा को दिखाता हूं, निज वैभव से, शास्त्रों में पढ़ा हुआ हो और दूसरे को बोल देना ये उदार ज्ञान है, और ज्ञानी की वाणी को सुना और सुनकर के अंतर में तत्व का विचार किया और स्वयं के अनुभव के प्रमाण से जो कहे कि ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है,
ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है। एक लड़का मुझे अभी स्मरण में आया, किसी फकीर के पास में वो ज्ञान लेने के लिए गया था। कितने महीने तक वो फकीर के पास ज्ञान लेता रहा, मगर रोज 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 फकीर की वाणी को सुनकर के उब चुका था, क्योंकि फकीर रोज एक ही एक बात करता था, एक ही एक बात, आत्मा 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 आत्मा। तो वो लड़का उब चुका कि अब यहां रहने जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ नई बात आने वाली नहीं है। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसा आ, 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 तो ऐसा हुआ भगवान। फिर उसको विचार आया, अब मैं ये फकीर के पास अब यहां से मैं निकल जाता हूं। मगर तभी जिस दिन उसको ये विचार आया, उसी दिन फकीर के पास कोई और भी एक लड़का आया, और वो लड़का दूसरे लड़कों को इतना अच्छा प्रवचन देता था। तो ये जो पहला लड़का था, उसको पता चला कि गुरु हो तो ऐसा हो, कितनी नई नई बातें करता है, रोज नई नई बातें करता है। फकीर भी वहां बैठा था, तो फकीर वो प्रवचन दे रहा था, नौजवान लड़का। फकीर उसको देख करके थोड़ी देर तो चुप ही रहा, फिर वो प्रवचन देता है। इस लड़के को ऐसा लगा कि देखो, गुरु हो तो ऐसा नई नई बातें करता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। फकीर को पूछा कि देखो, ये नया लड़का जो आया है कितना अच्छा प्रवचन देता है, आप कब से क्या इंतजार कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो? तो फकीर ने क्या कहा कि मैं उसके बोलने का इंतजार कर रहा हूं। तो बोले, वो 2 घंटे से तो बोल रहा है। बोले, नहीं, 2 घंटे से वो नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, 2 घंटे से गीता बोल रही है, कुरान बोल रहा है, बाइबल बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है। उसका अंदर का, अंतर का हृदय नहीं बोल रहा है, अंतर की पुकार अंतर से निकल करके नहीं आ रही है, कहीं से उधार लिया हुआ वहां से आवाज आ रही है। इसलिए बार बार तुम्हें चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मगर वो पुकार अंतर की हो, स्वयं की हो, सच्ची हो, अनुभव की हो, बाहर से ली हुई न हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, इस देह से न्यारा ऐसा अनुभव, अंतर का वैभव आचार्य कुंदकुंद देव ने दिखाया, ऐसा कि ओहो, आप दुनिया में ऐसा व्यक्ति तुम न पाओगे। यदि मैं आपको कहूं कि आपके बैंक का बैलेंस मुझे बताओ, बैंक में कितने डॉलर है, कौन एक दूसरे के बैंक का बैलेंस बताता है? पूछे तो भी वो बताते नहीं, सच्चा तो कौन बताता है? आचार्य कुंदकुंद देव ने वैभव दिखा दिया, ये रहा वैभव, अपना अंतर का वैभव। जंगल में कोई पूछे कि ये रास्ता कहां जाता है, तो वो रास्ता उनको पता नहीं था, जंगल का रास्ता नहीं जानते थे कि ये गली कहां जाती है, कौन से गांव में जाएगी, ये गली कौन से गांव में जाएगी। जंगल में रहने वाले आचार्य कुंदकुंद देव जंगल का रास्ता नहीं जानते थे, मगर मोक्ष का रास्ता बता दिया कि तुम मोक्ष के मार्ग पर कैसे यात्रा कर सकते हो। ये मोक्ष का मार्ग बताया, निज वैभव चैतन्य वैभव, प्रति समय हे चैतन्य परमात्मा ये जागृति रहे। बोले कम, भले सुने कम, पढ़े भी कम, मगर अंतर में विचार चलता रहे, स्पेस न मिले, थोड़ा भी अवकाश नहीं, तब विकार के भावों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अनंत 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 कषाय है आत्मा में, अनंत विकार के भाव पड़े हुए हैं। अब एक विकार को छोड़, मैं गुस्सा छोड़ दो तो अभिमान होगा, अभिमान छोड़ दो मायाचारी का भाव आएगा, मायाचारी का भाव छोड़ दो लोक का भाव आएगा, भाव तो आएगा, कोई ना कोई छूटेगा नहीं। एक एक भाव को कैसे छोड़ने जाओगे, छूटेगा नहीं, छूट ही नहीं सकता एक एक भाव को छोड़ने जाओ तो। मगर एक
कि मैं चैतन्य तत्व, ऐसी जब अंतर में अनुभूति हो, ऐसी जब अंतर में अनुभूति हो, तब इस राग की दीवार को आप न्यारी देख सकोगे। फिर चलना होगा, बोलना होगा, होठ भी हिलेंगे, होठ हिलेंगे, मगर अंतर में ये होश, ये जागृति कि मैं भगवान आत्मा, मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान ही मेरा वैभव है। एक समय में सारे जगत को एक समय में जानने की शक्ति वाला ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं। शक्ति ऐसी है, एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आए। विचार करो ये कैसा ये ज्ञान का स्वरूप। जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास में करोड़ों रुपये अपनी तिजोरी में बंद हो और बाजार में निकला और 10 रुपया लेकर के निकला और अपने को 10 रुपया हाथ में लेके निकला और माने मैं 10 रुपये का मालिक, मैं 10 रुपये का मालिक, मैं 10 रुपये का मालिक, मैं देखो 10 रुपये का मालिक, तो लोग कहें कितना मूर्ख है कि अंदर खजाना पड़ा है करोड़ों का और 10 का मालिक अपने को मान करके बैठा है। तो अंतर में तो भगवान आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति, ऐसा खजाना अंदर केवल ज्ञान का भरा पड़ा है, लोकालोक को जानने का ऐसा सामर्थ्य, ऐसा खजाना अंदर पड़ा पड़ा है और अभी लेकर के निकला है, यहां संसार में भटक रहा है। थोड़ा बहुत ज्ञान है कि कुर्सी किधर पड़ी है, टेबल किधर पड़ा है, पत्नी किधर है, बेटा किधर है, रुपये किधर है, ये थोड़ा बहुत ज्ञान अभी है। ये जो थोड़ा बहुत लेकर के निकला उसका ही मालिक अपने को मान करके बैठा है कि मैं इतना बुद्धि वाला हूं। 5 शास्त्र, 50 शास्त्र, 1000 शास्त्र, 1500 शास्त्र याद कर लिया और मान लिया मैं 1000 शास्त्र को याद करने वाला, कितना ज्ञानी। नहीं, ये करोड़ों रुपये का वैभव, अरबों रुपये का वैभव अंदर तिजोरी में पड़ा है और अंदर, और इससे पकड़ छूट जाती है। फिर ज्ञानी को अहंकार क्यों नहीं होता बुद्धि का कि मैं इतना जानने वाला, मेरे पास में कितना ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं ये मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये तरंग है, मैं तरंग नहीं, मैं सागर हूं, मैं तालाब नहीं, मैं सागर हूं। तरंग में उतार चढ़ाव है, तरंग एक सी नहीं। अभी ज्ञान बहुत है, रास्ते पर जा रहे हैं, ज्ञान बहुत है, एक्सीडेंट हो गया, खुद का नाम भी पता नहीं, बुद्धि थोड़ी देर पहले बहुत जानता था, कुछ भी नहीं। इसलिए ज्ञानी को उसमें पकड़ नहीं जो बदल जाता है, जो अभी है और अगले पल नहीं, इसलिए ज्ञानी को उसमें अपनापन नहीं कि यह मेरा स्वरूप। स्वरूप किसमें अपनापन? जो अनादि अनंत टिक कर रहता है, वो चैतन्य की अनादि अनंत चैतन्य सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र, यही मैं, जिसमें कोई तरंग नहीं, और प्रति समय यह जागृति रहती है। फिर ज्ञान का कार्य होता है ना, ये वैभव अंदर का, ये वैभव आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, चमड़ी से, ये 5 इंद्रियों से जानने का कार्य होता है। मगर अंदर में जब ये जाना कि कार्य जो जानना का, जानना 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 हो रहा है, उसमें इंद्रिय तो कहीं परिणमित ही नहीं होती, ज्ञान रूप में ज्ञान ही परिणमित होता है। चमड़ी परिणमित नहीं हुई कि गर्म है, ऐसा जानना जब कार्य हुआ तब चमड़ी का परिणमन उसमें नहीं हुआ। आंख है, वो आंख उसमें परिणमित नहीं हुई, सब सामने या ज्ञान हुआ कि सामने लाल रंग की गाड़ी है, तो आंख के जो परमाणु है, एटम्स, ये लाल रंग की गाड़ी है, ये जानने का कार्य हुआ, उसमें आंख के परमाणु उसमें कन्वर्ट नहीं हो गए, वो जानने का कार्य हुआ तब। रसगुल्ला मीठा है तो मीठा, उसमें जीभ, ये मीठा है, ये जो ज्ञान हुआ उसमें जीभ के परमाणु कन्वर्ट नहीं हो गए जानने के कार्य के रूप में, और जो कन्वर्ट नहीं हो जाते ज्ञान के रूप में, वो ज्ञान से पार है, ज्ञान से बाहर है, ज्ञान से दूर है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। वो नल जैसा है कि 5 नल और 5 नल में से पानी आ रहा है, तो पहले नल में से पानी आ रहा है, दूसरे में से पानी आ रहा है, तीसरे में से, हम लगता है कि 5ों नल में से पानी आ रहा है, मगर नल में से पानी नहीं आ रहा है। पानी तो आ रहा है तालाब में से, पानी आ रहा है, नल में से कहां पानी आ रहा है, नल में तो पानी है ही नहीं,
पानी जो आ रहा है वो पानी का जो समूह, पानी जो भरा पड़ा है, पानी में से पानी आ रहा है, पानी माथी पानी आवी रह्यो छे, नळमाथी नहीं। એવી રીતે આમ પાંચ ઇન્દ્રિય થી આમ જ્ઞાન નું કાર્ય થતું હોય, પણ જ્ઞાની ને જાગૃતિ છે કે અંતર મે વો જ્ઞાન કા સાગર ભગવાન આત્મા હે, ઉસમે સે હી જ્ઞાન પ્રગટ હો રહા હે। યે તો ચમડા હે, એસા હે ભગવાન, હે ચૈતન્ય પરમાત્મા, પ્રતિ સમય જાગૃતિ બની રહે, યે જાગૃતિ સે ધર્મ હે, એસી મસ્તી બસ। फिर प्रत्येक ज्ञेयों के जानने के काल में ज्ञान 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 ही जानने में आएगा। कौन सी सब्जी है उस पर जोर नहीं, खारा, जैसे ही सब्जी जीभ पर की खारी लगी बस। भिंडी की सब्जी है, लौकी की सब्जी है, मटर की सब्जी है, मगर खाई, ये खारापन जो है वो खारापन सब्जी का नहीं, वो नमक खा रहा है, नमक का अनुभव हो रहा है, ये नमक का अनुभव हो रहा है। अलग अलग सब्जी है मगर नमक तो वही है, वही नमक खा रहा है। ऐसे ही ये टेबल, ये कुर्सी, ये रमेश भाई, ये सुरेश भाई, ये वो बहन, ये वो बहन, ऐसे सब अलग अलग पदार्थों को ज्ञानी जानता तो है, मगर अंतर में यहां जागृति है कि ये कौन है, ये ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। पदार्थ तो सब अपने अपने में है, सब्जी के भेदों में वो नहीं जाता, नमक को चखता है, नमक का रस चखता है। ऐसे ही ज्ञानी सारे जगत को जानता हुआ होने पर भी अंतर में वो जागृत है कि यहां पर ज्ञान ही है, ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है। ऐसा ज्ञान वैभव एक समय में सारे जगत को जानने की शक्ति वाला मैं भगवान आत्मा अलिप तथा फिर बनी रहती है। फिर ज्ञेयों में तन्मयता नहीं होती, फिर कोई भी ज्ञेय जानने में आए मगर जागृति रहती, अलिप्तता का भाव ये, फिर पकड़ नहीं रहती, पकड़ नहीं रहती, तुम्हें ये पकड़ न रहेगी। तुम्हें नमक का स्वाद चखना है, फिर भिंडी है या लौकी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, नमक बस। फिर कोई भी ज्ञेय हो, उन ज्ञेयों को, कोई भी पदार्थ हो, उन पदार्थों को जानने के काल में, और ये प्रयोग भगवान यदि किए ने, ये प्रयोग 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 करने पर सब जगह यहां पर तो ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है, फिर तुम अंतर में वो भावना पाओ, तुम्हें पता ना चलेगा उस समय उतनी गहराई में गए, उतनी गहराई, सागर की गहराई में तुम गए। फिर तरंग पर पानी ऊंचे नीचे ऊंचा नीचा हो रहा, मगर तरंग ऊपर है और तुमको कोई पूछे कि जहाज कैसा है, तुम्हें पता नहीं, तुम कहोगे कि मुझे नहीं पता, तुम कहोगे कि मुझे नहीं पता, नहीं तुम नहीं कहोगे, क्योंकि तुम्हें सुनाई भी नहीं देगा, तुम वहां हो, सुनाई दो तो तुम जवाब दोगे कि जहाज कैसा है, तुम वहां पहुंच गए हो कि जहां तुम्हें आवाज भी नहीं सुनाई देती। जब आत्मा में ऐसी लीनता होती है तब राग और द्वेष के भावों की तरंग और यह शरीर रूपी जहाज, वो जहाज का पता ही नहीं, और जहाज के बारे में कोई पूछे उसका पता नहीं, क्योंकि चैतन्य सागर की गहराई में जाकर के डुबकी लगाई तो अतीन्द्रिय आनंद का मोती मिला, और मोती को पकड़ना नहीं चाहा, मोती आ गया हाथ में, ऐसा आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मैं आत्मा में जाऊं, मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, मगर वो चाहे तब तक तो आनंद ही नहीं है, वो तो अंतर में ऐसी डुबकी लगी। फिर यहां पर तुम्हें वो भाव न रहेगा, पकड़ मिट जाएगी, फिर वो जो तुम्हारा भाव आता है, तुम झुक जाते हो, तुम्हारी पकड़ छूट जाती है, अब तुम्हें किसी के पैर को छूने में अब तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुमने एक बार गहराई में जाकर के यह जान लिया कि मैं, जब गहराई में तुम गए, सागर की गहराई में जब गए, तब मैं अनादिकाल से अनंत काल तक टिककर रहने वाला परमात्मा वो मैं हूं, वो अनुभव में आया। 4 बजे अनुभव में आया ना कि मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत
मैं परमात्मा हूं, ये 4 बजे अनुभव में आया समझने के लिए। 4 बजे जब अनुभव में आया, ऐसा ये स्वरूप भगवान, 4 बजे जब भगवान आत्मा अनुभव में आया, 5 बजे ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने आपके साथ में बात की, कुछ विवाद हो गया, अब किसी ने कहा 5 बजे किसी ने कहा कि उस आदमी को माफी मांग लो, ने मगर तुमने माफी मांगू, पहले क्या होता था, माफी मांगू तो मैं नीचा हो जाऊंगा। 3 बजे कोई कहता कि माफी मांग लो तो ना, मैं तो नीचा हो जाऊंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। 3 बजे कोई कहता तो मैं नीचे नहीं झुकूंगा क्योंकि मैं नीचा हो जाऊंगा, मैं अपमान करना नहीं चाहता, मेरा मैं झुकने वाला नहीं, मैं नीचा हो जाऊंगा। मगर 5 बजे किसी ने कहा माफी मांग लो, क्या ले भाई, क्योंकि 4 बजे यह अनुभव में आया कि माफी मांगू तो भी अनंत काल तक मैं तो परमात्मा ही हूं। वो 4 बजे अनुभव में आया, अब वो अहंकार की पकड़ छूट गई, उसके पहले नहीं छूटती। जब तक अपनी स्वरूप की महिमा नहीं आती कि मैं भगवान आत्मा तो वही रहता हूं जो अनंत काल तक किसी भी अवस्था के काल में, ऐसा तो बद्दा कोई पण माणसना पगना तळिया चाटवानु क्यों लाओ, चाटवा तैयार छू, कोनी कोना पगना तळिया चाटवा छू, पगना तळिया चाटवा तैयार छू, पण मारे मारो परिभ्रमण वधारवो नथी, मारे मारो संसार वधारवो नथी। अत्यारे थोड़ू मीठू लागशे, થોડોક માન મળશે કે જો આ માણસ ન ઝુક્યો તો ન ઝુક્યો, આના જેવો કેવો, આમ ન ઝુક્યો તો ન ઝુક્યો, થોડુંક માન મળશે, સન્માન મળશે। ઘણી વખત લોકો કહે છે આ વટવાળો માણસ છે, આ બહુ મોટો માણસ છે, એ કોઈને ઝુકે એવો નથી। એ બધું 2 મિનિટ સાંભળવું સારું લાગશે, પણ એ સાંભળવું સારું લાગશે, પણ એમાં જે અસલી, જે આ મનુષ્ય ભોગ મેળવીને જે અહંકારની પકડ છોડવાની હતી એ છૂટવાથી વંચિત રહી ગયો, એનાથી વંચિત રહી ગયો, અને હવે ગયો કીડામાં, મકોડામાં, ગાયમાં, ભેંસમાં, બકરીમાં, અરે ભગવાન નિગોળની યાત્રા કરી આવ્યો, ગયો આમ હાથમાંથી મણી હતું ને હાથમાંથી પડ્યું દરિયામાં, હવે બીજી વાર મળે નહી, એક વાર મણી હાથ મે સે છૂટને કે બાદ મે દુબારા નહીં મિલતા ભગવાન, વો કેસે એસા, આહા હા હા। ઇસલિયે જ્ઞાની કો જાગૃતિ રહેતી હૈ, જ્ઞાની કો જાગૃતિ રહેતી હૈ, મેં સમસ્ત આત્મા કો मैं क्षमा चाहता हूं, बस ये भाव आ ही जाता है, मुझे क्षमा करना, मेरे से कोई अपराध हो गया हो मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये अमूल्य मनुष्य भाव कुछ क्षण के लिए भगवान मुझे मिला है और मैं अपना परिभ्रमण बढ़ाना नहीं चाहता। आपने सुना होगा समय शिखर पर, वहां पर लिखा है समय शिखर में गिरनार ऐसे तीर्थों पर, वहां लिखा है, वहां पर लिखा है कि आपने जो अपने घर पर रहते, कोई मुंबई रहते हैं, अब आप सैन डिएगो रहते हैं, कोई अलग अलग देश में कहीं ना कहीं रहने वाले, तो कि आप वहां से आए अपने अपने घर से, बहुत पाप करके आए हो, वहां बोर्ड लगाया है कि बहुत पाप करके आए हो समेत शिखर, मगर यहां आकर के पाप मत करना, क्योंकि दुनिया में जो पाप करके आए हो उन पाप को धोने के लिए तो समेत शिखर है, मगर समय शिखर में आकर के पाप करोगे तो उसको धोने कहां जाओगे फिर, ऐसा यहां पाप मत करना। मैं भी ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, साधकों से कहता हूं कि हे चैतन्य परमात्मा, चीटी में, कीड़े में, मकोड़े में, गाय में, कुत्ते में, बिल्ली में, वो सब भव में किए हुए पाप को धोने का ये भव मिला है, ये मनुष्य का भव, और मनुष्य का भव पाकर के भी अब तुम कोई पाप करेगा तो धोने के लिए फिर कौन सा भव मिलेगा, सबसे ऊंचा भव तो ये मनुष्य का भव, और उसमें भी तू नहीं पार हुआ, अहंकार की पकड़। मगर वो तभी मिट सकती है, नहीं तो क्या होगा कि अहंकार की पहले, आत्मा की अनुभूति से पहले वो अहंकार छोड़ भी दोगे ना तो उसका भी एक अहंकार आएगा, देखो मैं कैसा हूं, मैं तो अहंकार छोड़ देता हूं, मैं तो किसी के भी पैर को छू लेता हूं, मैं कितना बड़ा हूं, तो पहले तो मानता था कि मैं बड़ा हूं, मैं किसी को झुकूंगा नहीं, और अब मानता है कि मैं तो सबको झुक जाता हूं, ऐसा मैं बड़ा हूं, ऐसा वो इसलिए होता है क्योंकि आत्मा की अनुभूति के बिना जो होता है उसमें ऐसा होगा, आत्मा की अनुभूति के बिना। पर आत्मा को पाया फिर आपको अंदर में एक वैभव, अंदर में एक वैभव पड़ा है, अंदर में ये जागृति है, फिर आप दुखी नहीं होते, निराश नहीं होते,
ऐसा अंतर का वैभव है। अंतर का वैभव, और जो भी घटना घटी तुरंत ही वापिस लौट जाते हो। एक बार भाव आ गया पूरा, एक बार बुरा भाव आ गया, मगर वो बुरा भाव आ गया मगर आगे का अभी इतना अनंत काल क्यों बिगाड़ू, बुरा आया तो आया, नई शुरुआत। ऐसे ऐसा विचार करो। एक एक व्यक्ति के पास में अभी 86,400 रुपीस है और 10 रुपये वो बाजार में लेकर के गया था, 10 रुपये, और 10 रुपये वहां पर गिर गए। अब 10 रुपये उसके गिर गए, अभी उसकी तिजोरी में पड़े हैं 86,390 रुपीस पड़े हैं, मगर 10 रुपये वो गिर गए। अब वो रोता है, अरे मेरे 10 रुपये गिर गए, 10 रुपये गिर गए, 10 रुपये गिर गए। तो 86,390 को भोगना है, वो वंचित रह जाएगा। ऐसा तो एक दिन में ये 86,400 ये सेकंड्स, उसमें से 10 सेकंड किसके साथ में कुछ बोलना हो गया, गुस्सा आ गया, बुरा भाव आ गया, वो आ गया, मगर उसके कारण अब बाकी के 86,390 क्यों दबाते हो, उसको तो भोगो। हो गया सो गया, कोई भी भाव आए तुरंत अपने स्वरूप में, बस स्वरूप की जागृति। पर से डिस्टेंस बना करके रखेंगे तो ये जागृति ज्यादा रहेगी, तन्मय न हो, पूरी तरह से होश में रहे, प्रयोजन भूत जितना जरूरत हो उतना ही बोला जाए, क्योंकि और बोलते समय बहुत जागृति रहे, बहुत। क्यों? क्योंकि आप यदि विचार करोगे अपने जीवन में जितना भी ज्यादा विवाद हुआ होगा वो विवाद बोलते समय ज्यादा हुआ होगा किसी के साथ, आपको बनती नहीं है किसी व्यक्ति, कुछ बोल दिया आपने उसके कारण विवाद हो गया। ज्यादातर झगड़े बोलने के कारण ही हुए होंगे, कुछ बोला, और वो क्यों होता है उसका कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि जब अज्ञानी किसी के साथ में कुछ बोलता है, जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारा अटेंशन दूसरों की ओर होता है, जिसके साथ में हम बात करते हैं उसकी ओर पूरा ध्यान होता है। जब हम बोलते हैं, बोलते समय अटेंशन दूसरों की ओर है, और जब दूसरों की ओर तुम्हारा अटेंशन हुआ गया, अटेंशन दूसरों की ओर, अर्थात अपने से अटेंशन हट गया, अपने से तुम दूर गए, और जो अपने से दूर जाएगा वहां गलती होगी ही होगी। और ज्ञानी की वो दशा है दो तीर, दो निशान वाला, ऐसा कि अपनी ओर तो जागृति है और यहां से बोलना होता है, बात करते हैं दूसरों के साथ, मगर एक निशान अपनी ओर भी है, वो जागृति का है। इसलिए ज्ञानी के बोलने के काल में जागृति रहती है, और इसलिए ही ज्ञानी विवाद से बचते हैं। आचार्य कुनकुन देव, छठे सातवें गुणस्थान में झुलने वाले भावलिंगी संत अपने आनंद में, मैं सच्चा हूं, ये ऐसा नहीं बताते मैं सच्चा हूं तुम मेरी बात को मान लेना, ये ज्ञानी की विशेषता है। ज्ञानी कभी ये नहीं कहते तुम मानो मानो मानो, ऐसा नहीं कहा, ये कहा मैं जो तुम्हें निज वैभव से भगवान आत्मा का स्वरूप बताता हूं, दिखाता हूं, तुम स्वयं के अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना, मेरे कहने से नहीं। इसलिए जब भी मैं कोई भी वाक्य बोलूं, मैं खास ये कहता हूं तुम मेरी बात को मानना मत, विचार करो ना, ये बात सच्ची कह रहा हूं ये मत मानना, और ये भी मत मानना कि ये जो कह रहा हूं वो झूठा कह रहा हूं, सच्चा कह रहा हूं ये भी मत मानना, और झूठा कह रहा हूं ये भी मत मानना, जो कह रहा हूं उसका विचार करके निर्णय करना क्या है, तो सत्य को प्राप्त कर सकोगे, तो अपना अनुभव होगा, किसी दूसरों के कहने से नहीं, अपने स्वयं के अनुभव प्रमाण से इस सत्य का स्वीकार करना। इसलिए आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं, मैं एकत्व विभक्त, ये भगवान आत्मा कैसा एकत्व विभक्त है, अपने में तो अखंड है और पर से तो पूरी तरह से न्यारा है, अपने में अभेद है, कहीं पर भी भेद नहीं होता, अनंत गुणों का अभेद घनपिंड भगवान आत्मा है, ऐसा चैतन्य, चैतन्य वो जो कांच का गोला हो ना,
तो कांच का गोला और उस गोले में ये समझने जैसा स्वरूप है। कांच का गोला है ये, और इस कांच के गोले में ये कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, टेबल प्रतिबिंबित हुआ। तो प्रतिबिंब जब पड़ता है कांच के दर्पण में तब ऊपर ऊपर ही प्रतिबिंब पड़ता है ऊपर, मगर ये उसकी जो मोटाई है वो मोटाई इतनी है गोले की, तो अंदर भी कुछ ना कुछ तो भरा पड़ा है, तो अंदर कहीं भी प्रतिबिंब नहीं पड़ता, रिफ्लेक्ट नहीं होता, ऊपर ऊपर होता है। और भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है कि जब कोई पदार्थ ज्ञान में जानने में आता है तब ऊपर ऊपर जानने में नहीं आता, अंदर सब जगह, यहां अंदर भी सब जगह सॉलिड है ना भगवान आत्मा, तो अंदर भी सब जगह वहां पर आत्मा के चैतन्य प्रदेश सब जगह है, तो वहां सब जगह असंख्य प्रदेशों में प्रतिबिंब पड़ता है। पदार्थ जब ज्ञान में जानने में आता है असंख्य प्रदेशों में प्रतिबिंब पड़ता है, न पड़े तो क्या हो जाए, न पड़े तो ऊपर ऊपर ही प्रतिबिंब पड़े तो अंदर का जो भाग है जहां चैतन्य तो है वो जड़ हो जाएगा, बिना जानने वाला रहेगा, जानने का कार्य उसमें होगा ही नहीं, तो मगर असंख्य प्रदेश में वहां पर जानने का कार्य होता है। असंख्य प्रदेशों में भगवान आत्मा का असंख्य प्रदेशों में ऐसा जानना जानना। और क्या कि सामने सफेद रंग की कुर्सी, तो सफेद कुर्सी असंख्य प्रदेशों में प्रतिबिंबित होती है, असंख्य प्रदेशों में ज्ञान होता है। यदि अंदर पेट में जलन भी हो रही है और सामने कुर्सी है, दोनों को उपयोग दो में एक साथ में नहीं जाएगा, कुर्सी में भी अटेंशन जाए और पेट में भी अटेंशन जाए। अभी वर्तमान में एक समय में तो उपयोग एक ही ज्ञेय में वो जानने में आता है, एक ही ज्ञेय को जानता है, एक साथ में दो ज्ञेय को जान नहीं सकता, उपयोग तो एक में ही रहेगा। तो एक में रहेगा तो अंदर में भले जलन हो रही है मगर वहां पर भी ज्ञान के जो प्रदेश है वो ज्ञान के प्रदेश, वो असंख्य प्रदेशों में सब जगह वो सफेद कुर्सी का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और सफेद कुर्सी का प्रतिबिंब पड़ रहा है मगर वो अंदर में भगवान आत्मा में वो कुर्सी कहीं पर भी आकर के मिली नहीं, क्योंकि उसका परिणमन उसमें है, कुर्सी का परिणमन कुर्सी में है, और यहां पर जो परिणमन हो रहा है वो ज्ञान का जानना 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 जानना, यही परिणमन है, यही परिणमन है। भगवान ये चैतन्य स्वरूप ऐसा है, આખું ચૈતન્યનું સ્વરૂપ જ એવું છે, ત્યારે તમે આવી રીતે બસ ભગવાન એવી રીતે હું ચૈતન્ય 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 ચૈતન્ય, જ્ઞાનમાં એ ક્યાંય છે જ નહીં। પછી આવી રીતે જેમ કુર્સી હે ને, કુર્સી ચૈતન્ય મેં કઈ પર ભી નહીં, એસે હી કોઈ ભી વિકાર કા ભાવ ભી હોગા તો ઉસમે ભી સેપરેશન હોગા, એસા કે ગુસ્સા આયા મગર ચૈતન્ય કી શુદ્ધતા મેં કઈ પર ભી ક્રોધ નહીં હૈ, કામ વિકાર કા ભાવ હોવા मगर मैं चैतन्य तत्व उसमें वो काम के विकार का भाव रिफ्लेक्ट हुआ, कुर्सी दर्पण के अंदर घुस नहीं जाती, ऐसे ही वो काम विकार का भाव, वो काम विकार का भाव चैतन्य के घन में चैतन्य स्वरूप में अंदर नहीं मिल जाता। यदि मिल जाए तो चैतन्य अशुद्ध हो जाए, अशुद्ध हो जाए तो फिर शुद्ध का ध्यान करूंगा कैसे, शुद्ध का अनुभव करूं कैसे, शुद्ध का अनुभव ही नहीं होगा, अशुद्ध हो गया, अब फिर धर्म होगा ही नहीं, क्योंकि धर्म तो शुद्धता के लक्ष्य होता है और वो तो अनंत काल तक शुद्ध ही रहता है। अनंत विकार हो गए मगर अनंत विकार होकर के भी वो एक समय के लिए जो अशुद्ध नहीं हुआ, ऐसा भगवान आत्मा है। तो प्रत्येक आत्मा को देखते समय ज्ञानी को यह जागृति, कितना भी विकार का भाव उत्पन्न होता हो, सामने जो जीव है कितना ही विकार का भाव उत्पन्न था मगर ज्ञानी को जागृति है, चैतन्य परमात्मा उसने एक ही कार्य जानना जानना। अलग अलग कार्य होगा ना, अलग अलग कार्य तो आकुलता होगी, अलग अलग कार्य में जैसे अभी आप भोजन कर रहे, भोजन कर रहे, अब कब मैं उठू, कब मैं उठू, मेरा भोजन तो हो गया है मगर टेबल पर लोग सब इतने सब बैठे, अब उनका भोजन कब हो और कब मैं उठू, तो ये भाव बार बार आकुलता होती। अब हाथ धोने कब जाऊं, हाथ धो लिया, अब मैं सोने के लिए कब जाऊं, अब सो गए, अब वो जो क्रिया बदलने की आकुलता, ये कब करूं, ये कब करूं, तो पहले भोजन कर रहा था ये क्रिया और बाद में हाथ धोने गया तो दूसरी क्रिया, नया काम आया ना, पहले काम कुछ अलग था अब काम नहीं आया,
तो आकुलता होगी, कब होगा दूसरा काम, कब होगा दूसरा काम, कब होगा दूसरा काम। और ज्ञानी को आकुलता क्यों नहीं, क्योंकि अभी जान रहा हूं और बाद में जानूंगा, उसके बाद जानूंगा, उसके बाद जानूंगा, उसके बाद जानूंगा, काम तो एक ही है, तो आकुलता ही नहीं कि नया 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 काम करना हो तो आकुलता होगी। यहां तो वही काम करना है, इसलिए कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ज्ञानी को आकुलता नहीं है। मैं आपको पूछूं कि कल शाम को 7 बजे आप क्या करेंगे, परसों सुबह 10 बजे आप क्या करेंगे, आज शाम को 5 बजे आप क्या करेंगे, तो बोले मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। और ज्ञानी को कोई पूछे कि आप शाम को 5 बजे क्या करेंगे, कल सुबह 5 बजे क्या करेंगे, कल शाम को 5 बजे, ज्ञानी को जागृति, जानूंगा 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 जानूंगा, जानने के अलावा मैं करूंगा क्या, यही मेरा कार्य है जानना जानना। और इसलिए आकुलता नहीं होती है, वो जागृति, वो विकार, विकार का भाव हुआ, उसमें कर्तृत्व नहीं है, जानना 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 वही तो मेरा कार्य है। इसलिए आचार्य कुनकुन देव यहां पर कहते हैं ये 5वीं गाथा, भगवान आत्मा एकत्व विभक्त, भगवान आत्मा है एकत्व विभक्त, भगवान भेद ज्ञान कराने वाली ये गाथा है। यहां मध्य लोक में गंगा नदी बहती और नरक में वैतरणी नदी बहती, मगर वैतरणी नदी जहां बहती है वहां मैं नहीं हूं, मैं तो वहां हूं जहां ज्ञान की गंगा बहती है। इसका मतलब क्या कि विकल्प जो राग द्वेष के भाव होते हैं वो ज्ञानी को ऐसा कि वो बहते हैं, जैसे वैतरणी बहती है, वो वहां, मैं जहां वास करता हूं वहां नहीं, वैतरणी यहां नहीं बहती जहां मैं रहता हूं, यहां तो गंगा बहती है, ऐसे ही विकल्प की वैतरणी जहां बहती है वहां मैं नहीं, क्योंकि मेरे यहां अंदर में तो ज्ञान की गंगा बह रही है, यह जागृति रहती है। चैतन्य तत्व की अनुभूति होने पर यह एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप श्रद्धा में स्थापित होने पर मेरे टुकड़े होने वाले नहीं है, मेरे में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो खाली हो जाएगा, मेरे में से एक भी गुण कम नहीं होने वाला। और दूसरा जो है परद्रव्य, उसका एक भी गुण मेरे में आने नहीं वाला, तो एक भी माइनस नहीं होने वाला और एक भी प्लस नहीं होने वाला, ऐसा मैं चैतन्य तत्व और अनंत काल में ऐसा ही रहने वाला। फिर वो आकुलता भेज जाती है कि इतने डॉलर आ गए, मगर ज्ञानी को जागृति है एक गुण बढ़ कहां गया। आपने कहा लो ये 10 किलो सोने का बिस्किट, मगर जागृति, सोने का बिस्किट ये हाथ में दिया, मगर मैं भगवान आत्मा, उसमें एक गुण कहां बढ़ गया, वो जागृति, वो उस समय जागृति, वो ले लिया, थोड़े दिन रखा उसको, उसके बाद में कि अरे कुछ भी नहीं मेरा, ऐसा नहीं, उस समय जागृति रहती है, उस समय जागृति रहती है, बाद में नहीं। बाद में तो हाथ में तो सोना आने के बाद में तो सोना मिट्टी हो जाता है, हाथ में आने के बाद में दुनिया की कोई भी पर वस्तु हाथ में आई कि मिट्टी हो गई, वो मिट्टी हो गई ऐसा नहीं, वो मिट्टी ही थी, मिट्टी ही है, मिट्टी रहेगी, मगर वो हाथ में आने के बाद कोई भी सुंदर स्त्री को देखा, पा लिया, आ गई, मिल गई, बस अब मिट्टी हो गई, कोई भी वस्तु पा लिया, क्योंकि पर पदार्थों से स्वयं को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दूरी बनी रहती है, दूरी ये बनी रहती है कि बाहर है वो बाहर ही, कितना भी नजदीक आए, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने का कारण यही है, साथ में रहते हैं, साथ में रहते, साथ में सोते, साथ में खाते पीते, साथ में, मगर फिर भी झगड़े क्यों, क्योंकि अंदर वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डिस्टेंस ही रहता है, वो एक हो ही नहीं सकते, वो डिस्टेंस जो रहता है, और अंदर में भाव था कि कभी एक हो जाएंगे, कभी हम मिल जाएंगे, कभी हम एक होंगे, मगर दूरी तो दूरी ही रहती है, और इसलिए अंदर में दुख देता है, पीड़ा पहुंचाता है कि अरे मैंने तो कितनी कितनी अपेक्षा लगाई थी,
कि ये मेरा हो जाएगा, मगर मेरा ना हो सका। और वो जागृति के बल पर, भगवान चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर, ज्ञानी को किसी भी पर पदार्थ के संयोगों के काल में भी भेद दिखाई देता है, ऐसा भेद दिखाई देता है। एक व्यक्ति को कहा कि आपके पास घर है, मुझे रहना है। उसने कहा नहीं है, क्षमा करना, लेकिन घर नहीं है आपके पास। अच्छा, तो मेरे घर पे आ जाओ। तो उसने तुरंत बदल दिया स्टेटमेंट, नहीं नहीं मेरे पास घर है, मैंने पहले कहा कि आपके पास घर है तो कहता है कि नहीं है, और बाद में कहा कि घर नहीं है तो मेरे घर पे आ जाओ, बोले है। मगर बाद में उसने खुलासा किया कि मेरे पास इतना ज्यादा नहीं है कि आपको दे सकूं, और मेरे पास इतना कम नहीं है कि आपके घर पर रहने आना पड़े, जितना है बस पर्याप्त है, बस पर्याप्त है। ऐसे ही भगवान आत्मा में इतना अधिक कुछ भी नहीं है कि दूसरों को दे सकूं, और इतना कम भी नहीं है कि दूसरों के पास भीख मांगनी पड़े, जितना है इतना परिपूर्ण। वो परिपूर्ण का अनुभव उसे आचार्य कुनकुन देव एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कहते हैं। भगवान आत्मा जिसमें पर का कुछ भी अंदर आता नहीं है और अपना कुछ भी बाहर जाता नहीं है, ऐसा कुछ भी कर नहीं, नहीं सकता, ग्रहण ही नहीं कर सकता। ट्रेन में दो आदमी बैठे थे, बात कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था कि मुझे वो ताजमहल है ना, वो ताजमहल नहीं बेचना है, ताजमहल नहीं बेचना है। तो दूसरा कह रहा था नहीं नहीं मेरे को वैसे खरीदना भी नहीं है अभी, ऐसा। तो एक कह रहा था मुझे बेचना नहीं, दूसरा कह रहा है मुझे खरीदना नहीं है। ना तो वो बेच सकता है ना वो खरीद सकता है, व्यर्थ की झूठी कल्पना करते हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, आप भगवान आत्मा, मैंने आपको ये दे दिया, आपने कहा मैंने ले लिया, मैंने ये दे दिया, आपने ले लिया, आपने कहा मैंने दे दिया तो मैंने ले लिया, ये सब कल्पना है झूठी। कोई किसी को कुछ भी न दे सकता है, पद द्रव्य न तो दे सकता है न ले सकता है, सिर्फ इतना कि जानता मात्र है और कुछ भी नहीं। मगर आप ये आज सुनते हैं ना भगवान, सुनने में आया, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहली बार ये भगवान आत्मा की पुकार, हमें समझ में नहीं आता आत्मा आत्मा आत्मा, ये शुद्ध चैतन्य तत्व। मगर निराश मत होना, आज आपके कान में ये सुनने में आ रहा है, आपको ये भाव भी आया ना, इस जगत में ये रुचि ही नहीं, सुनने के लिए समय भी नहीं लोगों के पास में। अभी जो ऐसा कहो कि चलो यहां पर स्वामी वात्सल्य है तो 250 लोग आएंगे, 2500 लोग आएंगे, मगर कहो कि चैतन्य परमात्मा नहीं है रुचि, कुछ विरले ही जीव है जिनको ये रुचि जगी है। निकट काल में भविष्य में भला होना है जिनका, वो ही यहां आकर के बैठते हैं, नहीं तो मन नहीं लगता, नहीं लगता, सिर्फ मनोरंजन के कारण बदल जाते हैं। पार्टी में मिलते थे, फिर स्वामी वात्सल्य में मिल लिया, बस मिलना हो गया काम, हाई हल्लो हो गया, मुलाकात हो गई, बात खत्म हो गई, पर्युषण मना लिया, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। धर्म के नाम पर मिलना तो हो गया, दोनों काम साथ में हो गए कि धर्म का धर्म भी हो गया और एक दूसरे को मिलना भी हो गया, सब काम हो गया। मगर परमात्मा की बात, मैं तो सच्चे श्रोता उनको ही कहता हूं, ऐसी जगह पर ऐसे स्थान पर जहां भोजन न रखा हो और सुनने के लिए जो आए उसे मैं कहता हूं कि सच्चे श्रोता है बिल्कुल, कि वहां पर जहां को बाहर के कोई भी योग उनको मिले, संयोग मिले, अनुकूलता मिले, कुछ भी, मगर नहीं। ये भाव आना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आचार्य कुनकुन देव अंतर में हर 48 मिनट पूरी होने से पहले आत्मा के ध्यान में लीन होते थे, डुबकी लगाते थे, और 24 घंटे में 8 घंटे ध्यान में लीन रहते थे। वो साधु का नियम है, नियम अर्थात उन्हें ही साधु कहते हैं। नवकार मंत्र में जो बोलते हैं नमो लोये सव साहुणम, वो नमो लोये सव साहुणम माने सिर्फ ये महाराज साहब नहीं, नमो लोये सव साहुणम, साहुणम माने कि जो उनके लिए ये कंडीशन
कि 24 घंटे में 8 घंटे आत्मा के ध्यान में लीन रहे, कंटिन्यूस नहीं, टुकड़े में। कंटिन्यूस तो 48 मिनट रहे तो केवल ज्ञान हो जाए, मगर 16 घंटे जो शुभ भाव और 8 घंटे शुद्ध भाव, अशुभ भाव तो होता ही नहीं। 16 घंटे छठा गुण स्थान और 8 घंटे सातवां गुण स्थान, और ऐसी जिनकी दशा है वे साधु है। बार बार आत्मा की स्पर्शना होती है। अब आप विचार करो, अभी तो 24 घंटे में 1 घंटे के लिए आत्मा की वाणी को आपने सुना, उसमें भी बहुत बार बाहर के भाव आए होंगे, मगर 1 घंटे के लिए सुनने के लिए यहां बैठे, तो भी 23 घंटे तक कितने भावों से बच जाते हैं, व्यर्थ के विकल्प से बच जाते। जाने दो ने आज तो सुना था प्रवचन में, आज ही आत्मा की बात सुना था, तुरंत ही कषाई का भाव ऑटोमेटिक शम जाता है, शांत हो जाता है। तो विचार करो, 24 घंटे में 1 घंटा जो सुनता है, उनके भाव यदि ऐसे बदल जाते हैं, उनकी दशा ऐसी होती है, तो जो 24 घंटे में 8 घंटे निर्विकल्प ध्यान में लीन रहते हैं, उनकी दशा कैसी होगी। ऐसे आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं कि एक काम कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चुक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। उसके गहरे रहस्य है कि क्या कहना चाहते हैं, प्रमाण करना, स्वीकार करना, और चुक जाओ तो छल ग्रहण नहीं करना। इसके बारे में कुछ गहरे रहस्य है, उसकी चर्चा हम करेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुना और मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।